स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सेंटेंसेस. सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट. द सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं. अ सेंटेंस is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या है? Sentence शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है. सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड ends with full stop, question mark, and exclamation mark. Exclamation mark. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के एंड में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. एग्जांपल देखते हैं. द बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ पे देखेंगे बच्चों, द बुक इज ऑन द टेबल. इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है और इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस. कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप लग रहा है और इसका एक मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. कुछ और एग्जांपल देखेंगे. टू गार्डन द वेंट आई. सेकंड एग्जांपल, इन द गार्डन. थर्ड एग्जांपल, आई वेंट टू द गार्डन. अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल दिए हैं. इन तीन एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला एग्जाम्पल टू गार्डन द वेंट आई. इन फर्स्ट एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक सेंस. मतलब पहले वाले एग्जाम्पल में इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे. इन सेकेंड एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस. सेकेंड वाले में मीनिंग तो निकल रहा है, इन द गार्डन मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन ये कम्प्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है इसका, इसलिए इसे भी सेंटेंस नहीं माना जाएगा. इन थर्ड एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कम्प्लीट सेंस एंड इज अ सेंटेंस. थर्ड वाले एग्जाम्पल में सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसे सेंटेंस कहा जाएगा. तो फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं है, सेकंड एग्जांपल भी सेंटेंस नहीं है, बट आई वेंट टू द गार्डन सेकंड एग्जांपल इज सेंटेंस. एक और एग्जांपल देखते हैं. राहुल बैट्समैन
ग्रेट इज अ। अब इन वर्ड्स को हम रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाएंगे। राहुल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा राहुल, उसके बाद आएगा इज अ ग्रेट बैट्समैन। यहाँ देखो बच्चों, हमने ऊपर जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको रीअरेंज करके यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया। ग्रेट इज अ, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है। यदि हमने इन्हीं वर्ड्स को रीअरेंज करके सही तरीके से लिखा तो इसका एक मीनिंग निकलता है, राहुल इज अ ग्रेट बैट्समैन, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट statement is called an assertive sentence. assertive sentence क्या होता है? a sentence that makes a statement, यानी कि वह sentence जो कुछ statement करते हैं या कुछ कहते हैं वो क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, जयंत इज वेरी हैप्पी टुडे। जयंत आज बहुत खुश है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस that ask question is called interrogative sentence. वो sentence जो question पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं उन्हें interrogative सेंटेंस कहा जाता है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछ रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं?
अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या शो किया जाता है, उसमें आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। जिन सेंटेंस में आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। स्विच ऑफ द फैन। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज कम इनसाइड। थर्ड एग्जाम्पल इज यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल स्विच ऑफ द फैन, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बच्चों को कमांड दी जा रही, उन्हें आदेश दिया जा रहा है। क्या करने के लिए कहा जा रहा है कि फैन को स्विच ऑफ करो, तो ये क्या है, कमांड है। सेकंड में प्लीज कम इनसाइड, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज, क्योंकि प्लीज लगा है इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम इनसाइड। थर्ड एग्जाम्पल में यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि तुम्हें एक गिलास पानी पीना चाहिए, तो ये क्या है, एडवाइस। मैं आप लोगों को यहाँ बताना भूल गई, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द कमांड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस दी जाती है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फोर्थ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। Strong feeling is called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence में किसी भी व्यक्ति की feelings शो होती हैं, जैसे कि खुशी, गुस्सा, इस तरीके से, तो ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इनके अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एग्जांपल देखेंगे, व्हाट अ लवली ड्रेस इट
इज, व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज, ये कितनी सुंदर ड्रेस है इसका, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ कितनी सुंदर पेंटिंग है, यहाँ पे वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सेंटेंस और बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सहित यहाँ मैंने पूरा समझाया है। अब आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इसे एक बार फिर से समझेंगे।